सो हेलो गाइस, वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज भाई हमारे मौसी और मौसा आए हुए हैं खटीमा से, उतनी दूर से आए हुए हैं। तो अभी हम लोग, मैं रुका हूँ रोड में, अभी आएंगे वो लोग, मैं फिर मिलवाता हूँ आप लोग को उनसे। ये हमारे कृष्णा भैया की दुकान है, हम अपने सारे फॉर्म यहीं से भरते हैं, इन्हीं की इसमें से भरते हैं, अपने जितने भी फॉर्म आते हैं ना, पुलिस का हो गया, IAS PCS जितने भी होते हैं सब यहीं से भरते हैं। ये गाइस पहुंच गए हैं, आ गए आ गए। तो गाइज अभी यहाँ पर टिकट कट रखा है, अरे मेरा छोटा भैया रुद्र, देख तो रुद्र, हेलो कर दे तो YouTube में वीडियो। गेट में 20 रुपये टिकट कट रखा है, और वैसे आजकल यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बना दी है, मौसी जाने वाली है वहाँ उसमें। अच्छा इस वाले में मुझे डर लगती है। चलो आगे। और भाई यहाँ पे हमको हिमांशु मिल गए, हाथ हटा ले यार, इतना तगड़ा लग रहा है। तो आज क्या कर रहे हो भाई, इसमें जा रहे हो क्या तुम? नहीं यार, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम फील करोगे, हम देख लेंगे। तुम तो डर गए। ये देखो खरगोश शिव शिव पिंजरे में खरगोश बांध रखे हैं शिव शिव। यहाँ पे हार्नेस भी है भाई, वो देखो हार्नेस है क्या, ये रस्सी पकड़ के नीचे को उतर रहे हैं भाई। फोटो खींच रहे तो बढ़िया, ये देखो फोटो बराबर। अब नीचे को चलते हैं और देखते हैं नीचे कैसा है। काफ़ी भीड़ है भाई आज तो यहाँ पे ग्रीन आइलैंड में, पैर रखने की तक जगह नहीं है। दिल दिखाता हूँ मैं आपको, जो मेन दिल है ये देखो, अभी जाते हैं दिल के पास। पानी आ रहा है यहाँ से, हम खींच लेंगे पहले तो हमारी तो भी। क्या फंक्शन बना रखा है इन्होंने। अच्छा यहाँ कहीं पर मोटर, यहाँ कहीं पर मोटर होगा, उससे ऊपर को चढ़ रहे हैं पानी। ये है भाई वो दिल जहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये दूसरा दिल, ये तीसरा दिल, और ये रहा ब्रेकअप ट्री। हर चीज़ की फैसिलिटी है, वाह। और फोटो खिंचाई जा रही है यहाँ पे, नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, अभी जाएंगे नीचे हम लोग। मिक्की माउस भी हैं बच्चों के लिए, और ये नीचे ट्रैम्पोलिन, वाव बढ़िया बना रखा है वैसे। असली तो वहाँ पे है, रस्सी से नीचे को आ रहे हैं, दिखाता हूँ अभी। एक बच्चे ने मेरे को वॉच पकड़ा दिया है यहाँ पे, इसको वापस करते हैं। बहुत बढ़िया यार, देखो वैसे यहाँ पे मिक्की माउस, बचपन में खिला करते थे इसको हम, मगर अब तो कहाँ, पीछे से हवा जा रही होगी इसमें पक्का। और ये देखो नीचे से, वो देखो यहाँ से उड़ते हुए जा रहे हैं भाई लोग। ये वही है यार जैसा हमने जुमारिंग रैपलिंग किया था बहुत पहले ना, उसी टाइप का है ये भी। छोटे बच्चों का टैम्पोलिन, अब 10 एयर, और क्या है 1 to 10 इज इक्वल टू 30 रुपीज। अच्छा ऊपर तो बहुत अच्छा है, एक बार लास्ट में एंड दिखाता हूँ आपको कितने नीचे तक है ये। पैदल चलते हुए जाते हैं यहाँ से नीचे को, यहीं पर तक होगा यार वैसे। खैर यहाँ पे बाउंड्रीज लग गई हैं, रास्ता है यहाँ पर से।
ओके, दिस इज़ द वेरी एंड। बांस का कुछ रखा हुआ है यहाँ पे और ये बाड़ लगाई हुई है यहीं पर तक है ग्रीन आइलैंड की ज़मीन। और ये देखो भाई नीचे से ऐसा दिखता है ग्रीन आइलैंड। और दिन तो बहुत कम लोग रोते थे, आज पता नहीं इतनी भीड़ क्यों रखी है। एक तो आज ट्यूसडे भी है तो शायद शाम के टाइम यहाँ पे ज़्यादा लोग आते होंगे और शाम को बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं ये देखो। चलो एंड तो हम देख के आ गए हैं, अब ऊपर चलते हैं। रुद्र हमारा झूला झूल रहा है, उसको देखते हैं ज़रा झूला झूलते हुए। बाकी यार यहाँ पे सब कुछ बच्चों का है, हमारे लायक कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पे, बस हमारे लायक फ़ोटो है वहाँ पे, हम फ़ोटो ही खिंचवा सकते हैं। ये और ये रुद्र हमारा फ़ोटो यहाँ पे क्यों कर रहा है, झूला झूल रहा है। दक्ष फोटोग्राफर और रुद्र झूला। ये आग, ये हवन कुंड है भाई, यहाँ पे आके शादी कर सकते हो तुम लोग, आ सकते हो तो आओ और आके। यार बाकी जो सही किया, ये पेड़ नहीं काटने चाहिए थे इन लोगों को। किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं चल रहा है, मगर काटना तो नहीं चाहिए था। ये देखो दिल, दिल चीर के देख तेरा ही नाम हो। तेरी चंद बालियां होठों पे ये गालियां कि तेरी चंद बालियां। दिस इज इट गाइस, तो यही था भाई ग्रीन आइलैंड। अच्छी जगह है वैसे घूमने के लिए फैमिली के साथ। ये देखो आखिरी क्या है, ठीक ठाक है, आना चाहो तो वैसे आ सकते हो, 20 रुपये टिकट है बस यहाँ पे आने का। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, झूले तो हैं यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी हैं। तो अब जाते हैं गेट की तरफ को और गेट से घर की तरफ। अभी हम घर जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग अभी ख़त्म होने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। गुड, अच्छा बोलता है, तू ही बनाएगा ब्लॉग बाद में। तू बनाना शुरू करेगा ना तो तेरे को मैं प्रमोट कर दूंगा अपने चैनल से, तू टेंशन मत ले। ठीक है, जाओगे ना भाई लोग इसके भी चैनल जाना, सब्सक्राइब करना, सब जाना इसके। इसमें कुछ मिलता भी है क्या? हां ना, पैसा मिलता है। कितना मिलता है? मेरा तो हाथ में ही है, बाकी चीजें भूल जाऊं मैं, फोन थोड़ी भूलूंगा, ये तो मेन हुआ। तो अब जा रहे हैं भाई गेट से बाहर हम। और कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा, तेरे को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, आया मज़ा आया। चलिए तो गाइस मेघना आ गए हैं हम अब, वहाँ से ग्रीन आइलैंड से निकल के अब सीधा मेघना आए। और ये देखो चेतक, बजाज चेतक दिख रही है यहाँ पे मेरे को। ये है भाई हम मेघना के अंदर, और एक बार बाहर का व्यू देखते हैं कैसा है। ये कौन है? बहुत अच्छी जगह है भाई, शांति बिल्कुल। और देखो सीनरी देखो, नज़ारा क्या बढ़िया है नज़ारा। वाह, वो देखो भाई APS कितना छोटा दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाऊं। ये देखो बस कलर ही कलर दिखाई दे रहा है, प्लस पॉइंट भी दिख रहा है भाई यहाँ से, वो देखो प्लस पॉइंट। मेन्यू दिखाऊं गाइस आपको यहाँ का, ये देखो मेघना का मेन्यू। तो गाइज़ मैं यहाँ से आपको असुर झूला भी दिखाऊं और पहले झंडा दिखाता हूँ। वो देखो ये रहा इंडिया का झंडा और वो रहा असुर झूला इस पहाड़ में बिल्कुल टॉप में। ये
यहीं के मंदिर से वो चोरी हो गए थे, घंटी वंटी चोरी हो गई थी इस वाली मंदिर से, चोर ने चोरी करके ले गए थे। चलो मेघना में भी काम हो गया अपना, चलते हैं घर की तरफ को। ये देखो रुद्र उतर रहे नीचे, रुद्र तो गाइज आखिरी में हम पहुंच गए वीडियो के वेरी एंड में, और हम लोग जैसे ही वहाँ से आए, मेघना से आए, तो एक्चुअली ऐसा था ना यार, मैंने कुछ चाउमीन वाउमिन खा लिया था, मतलब ज़्यादा ही, और फिर आके मैंने थोड़ा दूध वूध पिया, और मैंने सोचा थोड़ी देर बाद एडिटिंग करूँगा, और मेरे को आ गई नींद, और अभी अब सुबह के 3 बज रहे हैं। जैसे ही मेरे फ़ोन का अलार्म बजा मेरे, जैसे ही मैं उठा तब मेरे को याद आई, अरे भाई वीडियो भी तो मेरी जो है एंड करनी थी, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करनी है मैंने, ठीक है, अंदर ही अंदर में, बाहर में कर ही नहीं पाया मैं। और देखो कल की जल्दीबाजी की वजह से देखो मेरा शीशा भी टूट गया, और टाइम दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो 3:15। तो हाँ भाई सुबह के 3 बज रहे हैं, थोड़ा बाहर दिखाऊँ आपको, देखो चाँद है, ये चाँद है, चाँद बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और इस टाइम पे तो ना कुत्ता भौंकता है ना आदमी भौंकता है, ना कहीं पे लाइटें दिखती हैं। ये जो 3 बजे का टाइम है बिल्कुल पीक टाइम, एकदम शांति, इसलिए पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये मेरे को लगता है, इसलिए मैं इस टाइम पे उठ जाता हूँ। आज पहली बार मैंने बताया किसी को ये, ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, ओके। अब मैं थोड़ी सी इसकी आखिरी है तो अब एडिटिंग करता हूँ, और सुबह के 6 बजे वीडियो डाल दूँगा, तो मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।